राजस्थान एक दृष्टि में आज इस पर हम बात कर रहे हैं कुछ शब्दों की जो हर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इसमें पहला शब्द है ढींकली। ढींकली जो होता है कुएं पर लगा हुआ लकड़ी का एक तुला यंत्र होता है। चौड़ा और ऊंचे पानी वाला कुआं भी ढींकली कहलाता है। अखड़ पड़त पड़ेत्या, जो खेत बिना जुता हुआ पड़ा रहता है उसे कहते हैं। चरणोत, चरणोत क्या है? यह ऐसी भूमि है जहाँ पर पशु चरने जाते हैं। उर्डो क्या है? उर्डो ऐसा खेत है जिसमें घास और अनाज दोनों में से कुछ भी पैदा नहीं होता। इसे उर्यो, उसरड़ो या छपरियो भी कहते हैं। ओड़ी क्या है? ओड़ी तालाबों या खाइयों की पालों पर एक ऊंचा दाबड़ा बनाकर चड़स या रहट द्वारा पानी खींचने की प्रक्रिया को ओड़ी कहते हैं। डांगड़ा या डागला क्या है? खेत की रखवाली के लिए किसान द्वारा किसी पेड़ की शाखाओं पर अथवा भूमि में गाड़ी गई चार थूनियों पर लकड़ियां डालकर घास फूस से छत बना लेना। इसे उदयपुर में ढांगलो कहते हैं। रेलनी, आषाढ़ के महीने में भूमि की गर्मी और ताप को हरने के लिए खेत में पानी फेरना। सड़ो, हड़ो, पशुओं को खेतों में घुसने से रोकने के लिए खेत के चारों ओर कांटे वाले पेड़ों की टहनियाँ या जंगली झाड़ झंकार लाकर उनकी दीवार बनाना। इस शब्द को सड़ो हड़ो कहते हैं। ये सारे शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में अनेक बार पूछ